हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। तो सुबह से ही हमने लिपाई करना शुरू कर दिया है, तो सभी लोग उठ गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है और बस लिपाई करने में लग गए हैं। और कल हमने यहाँ पीछे वाले घर में चिकनी मिट्टी से पुताई भी की थी, उसके बाद में हमने लिपाई नहीं कर पाई थी। तो हमने कहा चलो आज पहले लिपाई कर देते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। तो अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो हमने कहा तब तक हमारी लिपाई भी हो जाएगी। और वैसे तो आरोही के पापा मना कर रहे थे कि थोड़ी देर में लिपाई करना, लेकिन हमने कहा कि कर देते हैं, क्योंकि फिर और कामों में लग जाओ फिर फुर्सत नहीं मिलती है। और इन दिनों में थोड़ा सा हमारे पास सिलाई का भी काम रहता है, तो फिर हमने कहा चलो अभी टाइम है तो कर देते हैं लिपाई। और अभी आरोही नहीं उठी थी, तो आरोही को हमने बुआ के पास में सुला दिया है। अभी बुआ भी लेटी हुई हैं, तो भैंसों को चारा आरा डालने के बाद में है ना फिर से बुआ लेट गई हैं। तो हमने कहा चलो तब तक हम लिपाई भी कर देते हैं। और इधर हमारी लिपाई हो चुकी है, बस थोड़ी सी ही लिपाई बाकी रह गई है, तो जल्दी जल्दी कर देते हैं और उसके बाद में ही और बाकी के सभी काम हम देखते हैं। तो दिन भर तो काम ही लगे रहते हैं। कल भी आप सभी ने देखा है कि पूरा दिन हम लिपाई पुताई में ही लगे रहे, और खाना आना भी बनाना होता है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो हमने कहा चलो आज पहले हम सुबह सुबह लिपाई ही कर लेते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। और वैसे भी कल जब हमने चिकनी मिट्टी से पुताई की थी, उसके बाद में हम लिपाई करने ही वाले थे, लेकिन फिर हमको टाइम ही नहीं मिला, तो हमने लिपाई नहीं कर पाई थी। तो फिर हमने कहा चलो आज पहले हम सुबह सुबह लिपाई ही कर देते हैं। और वैसे भी जब पुताई हो जाती है, फिर उसके बाद में जब भी झाड़ू लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। तो हमने कहा जब तक लिपाई नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी उड़ेगी और हमारी मेहनत फिर से ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इतने अच्छे से हमने यहाँ पर साफ़ सफाई की है सभी चीज़ों की, और फिर धूल मिट्टी से फिर से बेकार हो जाएगी। तो हमने कहा चलो लिपाई कर देते हैं, और थोड़ा सा टाइम भी मिल गया था, तो हमने कहा तब तक हमारी लिपाई भी हो जाएगी। और इधर हमारी लिपाई हो चुकी है, बस थोड़ी सी ही लिपाई बाकी रह गई है। और आरोही के पापा ने थोड़ी सी हमारी हेल्प भी कर दी थी, क्योंकि वही हमारा ब्लॉग शूट कर रहे थे, तो हमने कहा थोड़ा सा पकड़ लो फोन को, और वैसे अच्छे से नहीं हो पाता है, थोड़ा सा अंधेरा भी यहाँ पर लग रहा था, तो अच्छे से हमारा ब्लॉग भी बन गया था। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं बगिया को, तो बुआ भी यहाँ पर हैं और हमारी देवरानी जी भी आई हैं। सभी लोग बगिया में ही इतने टाइम आ जाते हैं टहलने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम भी रहता है और सभी लोगों को अच्छा भी लगता है बगिया को आना। आज सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडी भी लग रही थी, तो हमने आज गरम वाला ब्लाउज भी पहन लिया है। तो सभी लोग कुछ ना कुछ पहने हुए हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी ठंडी हो गई है। तो जब से आंधी तूफान आया है, बारिश हुई है, तब से हमारे यहाँ थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है सुबह के टाइम, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ठंडा मौसम था। तो सभी लोगों ने कुछ ना कुछ पहन रखा है, और बुआ तो चदरिया भी ओढ़े हुए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी ही लग रही है। तो हमने कहा चलो आज हम भी पहन लेते हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ठंडी वापस आ रही है। आज तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और इधर उसके बाद में हम लगाने लगे हैं झाड़ू, तो झाड़ू यहाँ पर लगा देते हैं। और फिर थोड़ी सी हमको आज लकड़ियाँ भी लेकर चलना है घर, तो उसके बाद में ही हम फिर चलेंगे। और एक हमारी दीदी जी पूछ रही थी कि कैसी चंदनियाँ होती हैं और कैसे चंदनियाँ के पेड़ होते हैं। तो दीदी जी, जो ये हमारी बगिया में पेड़ खड़े हैं मोटे मोटे से, बड़े बड़े से, ये सारे पेड़ चंदनिया के ही हैं। और जो ये कूड़ा है, ये सारी चंदनिया ही हैं, क्योंकि ये चंदनिया गिर जाती हैं, फिर उसके बाद में खाने वाले खा लेते हैं, और वैसे तो ये बेकार ही हो जाती हैं। तो आरोही तो हमारी बहुत ज़्यादा इनको पसंद करती है, तो वो तो समेट कर सारी रख लेती है, जब भी देखती है इनको पड़े हुए तो सारी चंदनियाँ समेट कर रख लेती है, और इनके जो बीज होते हैं निकाल निकाल कर खाने लगती है। तो हम भी कभी कभार खा लेते हैं, तो अच्छी लगती हैं खाने में। तो यही ये चंदनिया के पेड़ हैं, और हमारे यहाँ ज़्यादातर चंदनिया के ही पेड़ आप सभी को मिलेंगे। तो हमारी बगिया में भी बहुत सारे चंदनिया के पेड़ खड़े हैं। और इधर बगिया में हमने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद में हम तोड़ने लगे हैं लकड़ियाँ। तो थोड़ी सी हम लकड़ियाँ भी लेकर चलेंगे, क्योंकि जब हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो लकड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है और कंडा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कंडे तो हमारे रखे हुए हैं, लेकिन लकड़ी ख़त्म हो गई थी, तो हमने कहा चलो थोड़ी सी लकड़ी भी लेकर चलते हैं, नहीं तो फिर हमको दोबारा से आना पड़ेगा, और वैसे भी बगिया के कई चक्कर लग जाते हैं।
तो इधर थोड़ी सी ही हम लेकर चलेंगे और बाकी की हम यहीं पर छोड़ देंगे, तो इतनी हम लकड़ी लेकर चलेंगे। तो अब चलते हैं जल्दी से घर को, क्योंकि घर में हमारे सारे काम अभी पड़े हुए हैं, तो जल्दी से ही सारे काम कर लेते हैं। तो इधर पहले हम रसोई में लगा लेते हैं झाड़ू, उसके बाद में चूल्हे की पुताई कर लेते हैं, और घर में भी अभी झाड़ू लगाना है क्योंकि सभी काम अभी घर के पड़े हुए थे। तो बगिया में थोड़ा सा हमको टाइम लग गया था झाड़ू लगाने में, और उसके बाद में लकड़ियाँ भी हम लेकर आए थे तो थोड़ा सा हमको ज़्यादा ही टाइम लग गया था। और इधर पहले हम जो राख है चूल्हे में वो भरकर कर देते हैं भरोसी में, और उसके बाद में जल्दी से ही कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। तो थोड़ी सी भी अगर सुबह के टाइम देरी हो जाती है, फिर बहुत ही जल्दी जल्दी से ही सारे काम करने होते हैं, तो बहुत ही जल्दी जल्दी से ही आज हम सारे काम कर रहे थे। तो थोड़ी सी ही आज देरी हो गई थी, वैसे उठ तो बहुत जल्दी से ही गए थे लेकिन लिपाई करने में लग गए थे, तो इसी वजह से थोड़ी सी देरी हो गई थी। तो हमने कहा चलो लिपाई ही कर लेते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। तो जो काम में लग जाओ फिर थोड़ी बहुत देरी हो ही जाती है। और कल हमने यहाँ रसोई में भी लिपाई की थी गोबर से, लेकिन इन दिनों में है ना कि बहुत जल्दी से ही लिपाई सूखकर ख़राब हो जाती है, तो कोई बात नहीं दोबारा से लिपाई कर देंगे। तो इधर हमारी चूल्हे की पुताई भी हो गई है, और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं घर पर। तो यहाँ पर भी अभी झाड़ू नहीं लग पाई थी, तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। अभी बिस्तर पड़े हुए थे तो हमने कहा चलो बिस्तर हट जाएँ, उसके बाद में ही झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, तो फिर झाड़ू जो लगाते हैं धूल मिट्टी उड़ती है वो सारी बिस्तर स्तर में भी भर जाती है। और जो बरामदे में ये पटिया बनी हुई हैं, इन पर तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाती है, तो रोज़ तो हम नहीं साफ़ सफाई कर पाते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे तीसरे दिन हम कर देते हैं तो अच्छे से हमारी पटियाटियाँ साफ़ हो जाती हैं, लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो इसी वजह से हमारे काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इधर उसके बाद में हम करने लगे हैं आटा, तो इसमें टंकी में हमने कहा चलो आटा भी कर देते हैं, जो कि कल ये आया था चक्की से उठकर तो अभी तक रखा हुआ था, तो हमने कहा चलो पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद में ही इसको टंकी में रखते हैं। तो इधर हमने टंकी में भरकर आटा भी रख दिया है, तो टंकी हमसे उठ नहीं रही थी तो हमने वहीं पर छोड़ दी है। तो आरोही के पापा आए थे, तो आरोही के पापा से फिर हमने अंदर किचन में रखवा दी थी। और इधर उसके बाद में नहा धो करके हम बनाने लगे हैं खाना। तो आज हमने सूट पहन रखा है, क्योंकि कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया था कि दीदी जी आप सूट पहना करो, तो सूट आप पर अच्छा लगता है, और कई दीदियों ने भी बोला था कि आप सूट पहना करो, तो हमने कहा चलो आज सूट पहन लेते हैं। तो आज हमने सूट पहन तो लिया था, लेकिन थोड़ा सा हमको आज अजीब सा लग रहा था, और काम भी करते हुए नहीं बन रहा था सूट में। और वैसे तो सभी लोग कहते हैं कि आप सूट पहना करो तो सूट में जल्दी से काम भी हो जाते हैं, और साड़ी में काम करते हुए नहीं बनता है, लेकिन हमसे है ना कि सूट में काम करते हुए नहीं बनता है और साड़ी में हमसे जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। तो आज तो हमको सूट ही संभालते हुए हो गया था। और इधर हमारी सब्जी भी बन गई है, तो सब्जी में लग गया है छौंका। तो सब्जी आज हमने बनाई है लौकी की, और इधर उसके बाद में आटा तैयार कर लिया है और सेकने लगे हैं रोटियां। तो बस मोटी मोटी सारी रोटियां सेक लेते हैं। और सूट आज हम बहुत ज्यादा संभाल रहे थे, क्योंकि सूट नहीं संभल रहा था, और सभी के सामने भी आने में थोड़ी सी शर्म सी लग रही थी। और वैसे सूट पहनने में भी कोई बुराई नहीं, सूट भी अच्छे लगते हैं और साड़ी भी अच्छी लगती है, जिसको जो कपड़ा पसंद आता है वही वो कपड़ा पहनता है। तो हमको भी सूट अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा काम हमारे लिए मुश्किल हो जाता है सूट पहनकर करने में। तो आज भी हमारे लिए थोड़े से काम मुश्किल हो रहे थे, क्योंकि सूट पहने हुए थे और हम साड़ी पहन रहे हैं, तो साड़ी में हमसे जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाते हैं, और सूट में वही काम हमसे थोड़ी सी देरी में होते हैं, क्योंकि सूट हमसे संभाले नहीं संभलता है। जब हम कभी कभी सूट पहन लेते हैं तो हम सूट को ही बस संभालते रहते हैं, और साड़ी हमसे संभल जाती है जल्दी से ही, तो इसी वजह से थोड़े से काम हमसे आज लेट हो रहे थे। तो इधर हमारी रोटियाँ भी सिक गई हैं, बस थोड़ी सी ही रोटियाँ सेकनी बाकी रह गई हैं, और आरोही भी आ गई थी, तो आरोही भी अपनी रोटियाँ बना रही हैं साथ में। और एक कंगन पहने हुए हैं आरोही, और एक कंगन आरोही का टूट गया है, तो वही आरोही ने आटे से ही कंगन बना लिया और हाथ में पहन लिया है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया है कि आप तसले में चूल्हा बना लो और उसको आप पीछे वाले घर में ही रख लो, वहाँ पर ही खाना बनाया करो खुले में, जिससे है ना कि गर्मी वहाँ पर कम लगेगी। तो सही कहा आपने, अब हम थोड़े दिन के बाद वहीं पीछे वाले घर में ही खाना बनाने वाले हैं, बस थोड़े दिन तक और यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि जब बारिश शुरू हो जाएगी उसके बाद में यहाँ पर खाना नहीं बन पाएगा।
फिर हम वहीं पर पीछे वाले घर में ही बनाएंगे, क्योंकि छत पर भी खाना नहीं बन पाएगा और घर में भी हमारे खाना नहीं बन पाएगा चूल्हे पर, और गैस भी हम इतनी जल्दी से भरवा नहीं पाते हैं, तो गैस पर खाना बनाने से गैस का खर्चा भी आता है, तो हम कहते हैं चलो चूल्हे पर ही खाना बना लेते हैं। और कंडा लकड़ी भी हमारे यहाँ हो जाते हैं, तो बस चूल्हे पर ही खाना ज़्यादातर बनता है। और इधर हमारा खाना भी बन चुका है, और उसके बाद में थोड़े से हमने चावल भी बनाए थे, कढ़ाई में ही बना लिए थे, तो थोड़े से बच गए हैं, इनको करके रख देते हैं कटोरी में। और थोड़ी सी सब्जी भी बच गई है, तो उसको भी हमने कटोरी में करके रख दिया है। तो बर्तन खाली कर लेते हैं, उसके बाद में धुल लेते हैं बर्तन। तो थोड़े से ही हैं आज, ज़्यादा नहीं बर्तन हैं, क्योंकि सुबह के जो बर्तन थे चाय नाश्ते के, वो हमने धुल कर रख दिए थे, बस थोड़े से ही बचे हैं। तो इधर अब बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, तो सारे बर्तन हमारे मंज चुके हैं, बस धुलने को ही रह गए हैं। और हल्के वाले सारे अभी हमने मांजे हैं, अभी कढ़ाई हमारी रह गई है, तो कढ़ाई हम बाद में मांजेंगे। और बर्तन धुलने के बाद में हम इधर आ गए हैं अपनी कच्ची रसोई में, तो आज हमने एक बेल भुनने के लिए डाला है, तो बस थोड़ा सा ही भुनने को बाकी रह गया है, और बाकी का तो बेल हमारा भुन गया है। तो ये बेल हमारे यहाँ बगिया में लगे हुए हैं, जो कि ये कच्चे हैं थोड़े से, लेकिन भुनने पर बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो हमने कहा चलो भुनने के लिए डाल देते हैं। और इधर उसके बाद में यहाँ रसोई में भी झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं, और चूल्हे की पुताई भी करेंगे, क्योंकि अब रोज़ ही हम चूल्हे की पुताई कर देते हैं दोपहरी में भी, और सुबह के टाइम तो होती ही है, लेकिन दोपहरी में भी चूल्हे की पुताई कर देते हैं। पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है, और दोपहरी में खाना बनता है तो बन जाता है, और राख भी ढेर सारी इकट्ठी हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं चलो चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं। और अब बड़ा दिन भी होने लगा है, तो टाइम भी मिल जाता है पुताई उताई करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, तो हम कहते हैं चलो साफ़ सफाई भी कर देते हैं। तो यहाँ पर पुताई कर देते हैं चूल्हे की, उसके बाद में ही यहाँ से चलते हैं, तो घर में झाड़ू वाड़ू भी लगा देते हैं। और अभी पीछे वाले घर में भी हमारे सभी बिस्तर इस्तर ऐसे ही फैले पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी हमको भी साफ़ सफाई करनी है, और बिस्तरों को भी अच्छे से रखना है, क्योंकि आरोही के पापा उठकर चले जाते हैं, और आरोही भी उठ जाती है, उसके बाद में फिर हम नहीं जा पाते हैं वहाँ पर, तो फिर हम कहते हैं चलो घर के काम कर लेते हैं, उसके बाद में ही बिस्तर इस्तर रख देंगे। तो वहाँ पर एकांत जगह पड़ जाती है, किसी का आना जाना भी ज़्यादा नहीं रहता है, तो बाद में ही वहाँ के सारे काम करते हैं। तो इधर हमने झाड़ू लगा दी है, घर में भी अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा दी है, बर्तन वर्तन भी हमारे सारे धुल गए हैं, पूरी घर की साफ़ सफाई कर दी है। उसके बाद में इधर हम आ गए हैं पीछे वाले घर में, तो यहाँ पर भी बिस्तर इस्तर हटा कर रख देते हैं। तो पहले हम खटिया को खड़ी कर देते हैं साइड में, उसके बाद में जो बिस्तर रखे हैं इनको भी साइड में रख देते हैं, फिर हम झाड़ू लगाएंगे। तो साफ़ सफाई तो हमने कल यहाँ पर की थी, लेकिन फिर भी झाड़ू तो लगाना होता ही है, रोज़ ही झाड़ू लगाना होता है, तो झाड़ू हम लगा देंगे। और सुबह के टाइम लिपाई भी की थी, तो हमने झाड़ू भी नहीं लगा पाया था, तो हमने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं। और तो बिस्तर हमने तख्त पर रख दिए हैं, अब हम झाड़ू लगा देते हैं, तो अच्छे से यहाँ पर भी साफ़ सफाई हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर भी रहने लगो वहाँ पर की फिर रोज़ ही साफ़ सफाई अच्छे से करनी होती है। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं, और जब सारे काम हमारे घर के हो जाते हैं उसके बाद में ही हम यहाँ पर आ पाते हैं, क्योंकि एकदम से अलग पड़ जाता है, तो हम कहते हैं चलो बाद में ही यहाँ पर साफ़ सफाई करेंगे, तो थोड़े से देरी भी लग जाती है साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ पर झाड़ू वाड़ू हमने लगा दिया है, बस कूड़ा उड़ा बटोर कर बाहर डाल देते हैं। तो अब सारे काम हमने कर लिए हैं घर के, तो इतना टाइम हमको लग जाता है घर के सारे काम करने में, तो अब बस थोड़े से कपड़े धुलने बाकी रह गए, तो वो हम धुलेंगे बाद में, पहले खाएंगे खाना। तो हमने कहा चलो पहले काम ही कर लेते हैं, उसके बाद में ही खाना खाते हैं। और इधर हमारी लिपाई भी सूख गई है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक, आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।